गाइज वेलकम बैक टू नागेंद्र नायक नरेटिव्स। सॉलिड धूप निकल गया है उडुपी में अभी ना, ऐसे धूप में बात करेंगे तो पसीना निकलना ही निकलना है। बाय द वे वी आर हियर इन मणिपाल टुडे, वी आर आउटसाइड अ स्मॉल थिंग दैट इज कॉल्ड रेस्टोरेंट विच इज होटल श्री सागर। दिस इज कमिंग फ्रॉम अ रिकमेंडेशन। सो फिश मील्स यहाँ पे अच्छा है बोल के सुनाई दिया है, तो चलो चलते हैं ट्राई करते हैं। So the place is recommended by one of our subscribers, Mr. Pratham Kamath. Thank you, Pratham, for the suggestion or recommendation rather. So, ये देखो setup, white modest setup. और 15 मिनट पहले जब हम लोग यहाँ से पास हो रहे थे, बंद था ये, ठीक है? So I think it opens exactly at 12 o'clock. So we are here at around 12:15. तो चलो देखते हैं what is there to offer. सो गाइस यहाँ पे भी देखो पूरा ये आउटडोर है, वो इंडोर है, एंड हियर इज द किचन दैट इज फंक्शनल एट दिस पॉइंट, और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। सो गाइस बहुत सिंपल सा एक फूड लग रहा है, रवा डिस्को है, चिकन कबाब है, सब्जी है, अचार है, राइस एंड फिश करी है। तो अभी क्या करेंगे ना, मिर्ची को साइड में रखेंगे और फिश करी एंड राइस से शुरुआत करते हैं। देखो कहीं पे कुछ जज करना है ना, तो इट इज ऑलवेज द फिश करी। हींग का फ्लेवर मस्त आ रहा है इसमें और तीखा भी है, तो आई थिंक करी इज नाइस, तो गुड डिश। हालांकि मैं ये लास्ट में खाता हूँ, लेकिन अभी तुम लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है? ये देखो रवा फ्राई डिस्को, ठीक है? अंदर तक गया हुआ है मसाला, ये निकालते हैं। देखो रिकमेंडेशन आया है बागीशा का, तवा फ्राई भी टेस्ट करके बताओ, बहुत अच्छा है। पिकल्ड है वो। पिकल्ड हाँ, ये नहीं, वो रवा फ्राई में भी आ रहा है, वो हल्का सा टैंगी टेस्ट आ रहा था रवा फ्राई में, इसमें भी, इसमें तो भर के आ रहा है टैंगी टेस्ट, क्योंकि रवा नहीं डाला हुआ है ना, तो मसाले का फ्लेवर वैसे का वैसे आ रहा है। सो आई थिंक बोथ रवा एंड तवा इज गुड। छीन ली उसको लगा मैं दूसरी बार खा के बताऊं। गाइस देखो ये कबाब है, लेकिन मैं तुमको सब्जी खिला के दूँ। अच्छा वो पूरी के साथ बहुत अच्छा, पूरी वाला ठीक है। ओ बैंगन का सब्जी है पूरी, इनफैक्ट चपाती के साथ भी इट इज गो वेल। एक काम करते हैं, 10-20 रुपए का सिर्फ सब्जी पार्सल करके ले जाते हैं, रात को चपाती बनाते हैं। वाइशा
बनाते मतलब तुम बनाओगी मैं खाऊंगा तो बनाते हैं गाइस कबाब है ना तो हर चीज में यहाँ पे हल्का सा टैंगी टेस्ट आ रहा है यार एंड दैट इज एक्चुअली एनहेंसिंग द फ्लेवर. पता नहीं वो टैंगीनेस किसका है बट ये शाम के बाद का एकॉम्पनीमेंट के लिए भी ये कबाब मस्त है. वेरी फ्लेवरफुल मज़ेदार. हाँ पता नहीं फॉर नो गुड रीज़न या नो रियल रीज़न सुक्का ऑर्डर करने का मन किया तो यहाँ पर है हाफ प्लेट चिकन सुक्का. ठीक है सुक्का का पीस उठाते हैं ये देखो उससे पूरा मसाला गुड मस्त है. कंपनी भी ये तो कंपनी तो ये भी अच्छा लग रहा है मस्त पका हुआ है बोलिए ना मसाले के साथ ही भुन भुन के पकाया है तो मज़ा आ रहा है. बाय द वे नाउ आई एम लेफ्ट विद ओनली दीज टू थिंग्स. देखो एकदम साफ तो अपने लास्ट लेग पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं. लास्ट लेग शुरू करते हैं. लास्ट लेग का भी आधा लेग ख़त्म हो गया सुक्का ख़त्म हो गया अभी फ्राई बचा हुआ है लेकिन उससे पहले बटर मिल्क मिला है. देखो ये भी एकदम ठंडा है. ओ जिंजर भर भर के भरा हुआ है ऐसे कंठ से निकलते वक्त पता चल इसको साइड में रखते हैं लास्ट में एक घूंट में पीने के लिए पहले फिश खत्म कर लेते हैं. पान मेरा साफ हो चुका अब दो जो बटर मिल्क है ना जिंजर वाला इसको एक घुट में पी के ख़त्म करते हैं. मजा आ गया. देयर इज अ कपल ऑफ ग्रेट थिंग्स रिटन हियर. वन थिंग इज ಅವಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಉಪದ್ರ ಕೊಡಬೇಡಿ ಬನ್ನಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು ಹೋಗಿ ನಮಗೂ ಉಪದ್ರ ಕೊಡಬೇಡಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಅದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್. ಯಾ ಪೇ ದೇಖಾ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಜಿತ್ನೆ ಟೈಮ್ ತಕ್ ಆ ರಹೇ ಥೆ ನಾ जितने लोग यहाँ आए उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने पार्सल ले लिया. सो दैट इज़ वन रीज़न के उन लोगों को उतना स्टॉक नहीं करना है. प्लस एट द सेम टाइम गुड नो प्लास्टिक का थैला ज़्यादा लोग नहीं लेकर आते हैं कुछ और कपड़े वपड़े का लेकर आते हैं. गुड यार स्मॉल होटल बट गुड इनिशिएटिव. सो गाइज टोटल 370 का बिल आया विच इंक्लूड्स टू मील्स दो फ्राई एक रवा और एक तवा उसके बाद एक कबाब हाफ सुक्का दो बटर मिल्क और मम्मी हमेशा कोसती रहती है तो तुम लोग जाते हो खाना खा के आते हो मेरे लिए कुछ नहीं लाते तो उनके लिए एक और फिश फ्राई. सो आइडियली थ्री फिश फ्राई हाफ कबाब सॉरी एक कबाब हाफ सुक्का बटर मिल्क और मील्स 370 का बिल है. वेरी मॉडेस्ट बिल तो मज़ा भी आया एंड इट इज़ पॉकेट फ्रेंडली ऑल्सो. गाइज मज़ा आ गया. नॉट वेरी हैवी फूड बट भर भर के था खाना. ऐसा मतलब हैवी मतलब पेट ऐसे ब्लोटेड व्लोटेड कुछ ऐसा फील नहीं आ रहा है. मज़ा आ गया खाना. आई थिंक यू मस्ट ट्राई. ये जो होटल है ना दिस इज़ राइट अपोजिट टू वेणुगोपाल टेम्पल मणिपाल. ठीक है उसके एग्जैक्ट अपोजिट है. एक टाइम में देखते वक्त कोई बंद किया हुआ गोडाउन टाइप का लगेगा बट अंदर जाओ उसके बाद जो मतलब बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स होगा ना यू विल लाइक इट. एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. फिर मिलते हैं. Ta-ta.